केंद्र की कांग्रेस सरकार के घोटाले तो आपको याद ही होंगे, लेकिन आज हम आपको कांग्रेस सरकार का वो घोटाला बताने जा रहे हैं जिसमें करीब 10,000 करोड़ का खेल किया गया था। इस घोटाले का नाम था मनरेगा घोटाला। दरअसल ये बात है साल 2012 की, जब नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कैग ने साल 2007 से 2012 तक मनरेगा में हुए कामों की जांच की थी। इस जांच के बाद कैग ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें खुलासा हुआ था कि कांग्रेस की सरकार ने मनरेगा में पैसा खाओ खिलाओ की नीति के तहत सरकारी खजाने को तबाह और बर्बाद कर दिया था। तब तत्कालीन कैग प्रमुख विनोद राय ने खुद कहा था कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है। लापरवाही, मानकों में ढील और निगरानी प्रणाली में खामियों को गिनाते हुए कैग ने मनरेगा में 13,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इसमें 2,252.43 करोड़ रुपए से ऐसे अवैध कार्य शुरू कराए गए थे जो मनरेगा में मान ही नहीं थे। 4,070.76 करोड़ रुपए की लागत से शुरू कराए गए करीब 7.25 लाख निर्माण ऐसे थे जो निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी कभी पूरे नहीं हुए। 6,547.35 करोड़ रुपए से ऐसे कार्य कराए गए थे जिनसे स्थायी ग्रामीण ढांचे का निर्माण ही नहीं हुआ था।